नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कोरोना के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बुधवार को बुलाई बैठक। हरे निशान में खुलने के बाद गिरा बाजार, सेंसेक्स 306 अंक टूटा। अनिल देशमुख पर ईडी का भी केस, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज, सीबीआई की एफआईआर को बनाया आधार। पिछले 24 घंटे में देश में 3,29,379 मामले आए सामने, 3,877 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। कोरोना के आंकड़े दे रहे धोखा, टेस्टिंग कम तो पॉजिटिव भी कम, शहर में बीते 24 घंटे में 2,243 नए मामले आए सामने। महावितरण का इंजीनियर 30,000 लेते गिरफ्तार, एसीबी की शिकायत पर रंगे हाथ पकड़ा। वैक्सीनेशन अभियान पर प्रशासन का नहीं कंट्रोल, पदाधिकारियों की मर्जी से शुरू रहा 45+ का वैक्सीनेशन। सीआरपीएफ ने किया मरीजों के रिश्तेदारों की नाश्ते का प्रबंध, लगभग 200 लोगों ने किया इसका लाभ। पैथोलॉजी व डायग्नोस्टिक सेंटर में उमड़ रही भीड़, 11 के बाद भी नो लॉकडाउन का नजारा। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने दी जानकारी, कहा शहर को मिली 50,000 वैक्सीन की खेप। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज।